हाँ जी दोस्तों, आज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि F4 वायर वाला जो पखा होंगे, चार तार वाला पखा, यह कनैक्शन किवें किया जाता। ये दो कालिया तारा तो दो लाल तारा निकल जाए, जिद ही एक लाल तो काली तार को आपस जॉइंट कर देंगे। ठीक है जी, इन्हों जॉइंट करने तो बाद असं इस कनैक्टर के निचले पास कस देवे। तीन तार वाले पखे के कनैक्शन जोड़े है वह बहुत आसान होंगे ने, तो हर कोई उसनों आसानी लगा लेता है। लेकिन जो चार तार वाला पखा है इसके कनैक्शन हर कोई कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर इसके कनैक्शन किस तरह किए जा। सो दूसरी तार जी असी कंडेंसर की है वह काली तार के नाल असी इन अटैच कर देवे। तुम देख पा रहे हो, ठीक है जी, इस वायर में भी असी इस तरह विच वाले कनैक्टर उत्ते कनैक्ट कर देंगे। इसका कोई मेन तार ना काम नहीं होता है, एक खाली कनैक्शन होता है जिदे विच कोई भी अपना मेन तार नहीं देनी। मेन तार सिर्फ उपर वाले कनैक्शन देनी पेगी। और दूसरी जी कैपेसिटर की वायर है उस नाल लाल वायर जी की है वो असी कनैक्ट कर देंगे। और दूसरिया तारा वाग इस फिक्स कर देंगे, इस कस दी गई है। ठीक है जी, ये साढ़े हो गए कनैक्शन पखे के ईजीली। ठीक है, एक पखे की अपनी भी वायर आ रही है, दो रेड तो ब्लैक, इन्होंने दोनों कट्ठे करके अपना सब तो पहले पॉइंट लगा दिता, दूसरी ब्लैक वायर नाल कंडेंसर की तार लगा के कर दिता, और तीसरी जो वायर जी आ रही है पखे की लाल वाली उसमें फिर कंडेंसर की वायर ना अपना कनैक्ट करके ये कर दिता है। ठीक है जी, इस तरह इधर आप नैगेटिव तो पॉजिटिव वायर कोई भी लगा सकते हैं। नैगेटिव तो पॉजिटिव तो जरूरी नहीं है कि आप इधर नैगेटिव रखनी या इधर नैगेटिव रखनी, कितने भी रख सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी कनैक्शन है। जेकर इस तरह कनैक्शन करने साडा पखा पुठा घूमना शुरू हो जाए तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, असी इन्हां विचों उपर वाला कनैक्शन और नीचे वाला कनैक्शन इन खोल के यह वाला नीचे वाल लगा देंगे और जो नीचे वाला उपर वाल कस देंगे, इधर साडा पखा सीधा घूमना शुरू हो जाएगा।